हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। तो देखते रहिए वीडियो को, बने रहिए। तो देखिए, हमने सारे मसाले को यहाँ पे फ्राई कर लिया है। मैंने जीरा और हिंग के सौंफ लगाया है और छोले को मैंने पहले उबाल ले रही। फिर मैंने सारे मसाले मिक्स किए, लहसुन प्याज अदरक गरम मसाले खड़े मसाले जो होते हैं, धनिया पाउडर हल्दी पाउडर मैंने मिला। हमारा मसाला पक गया है और हम इसमें टमाटर डालेंगे, चिकन या टमाटर। तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनी फ्रेंड, तो मैं आपको बताती चाहूँगी। यहाँ पे देखिए, हमने टमाटर डाल दिया है। तो टमाटर को भूनेंगे और टमाटर भूनने के बाद देखिए, छोले को हमने उबाल के रखा था। छोले हमने सारे मसाले मिलाए थे, मिर्ची तेज़पत्ता धनिया गरम मसाले ये सब। देखिए हमारे छोले कितने अच्छे से पक गए हैं। तो हम छोले को इसका पानी फेंकेंगे नहीं, इसको हम ऐसे ही डाल देंगे। ये देखिए हमारा टमाटर ही पक गया था, तो हम इसको डाल देंगे और छोले बहुत ही टेस्टी बनेंगे फ्रेंड। तो हमने इनमें सारे मसाले डाल के छोले को उबाले थे, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए हमने सारा छोला डाल दिया कढ़ाई पे। कढ़ाई हमारी फुल हो गई, इसको 2 मिनट पकने देंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमारे छोले पहले से पके हुए, मसाला भुना हुआ। यहाँ पे हमने भटूरे के लिए आटा लगा के रखा है, तो इसमें हमने मिलाया है मैदा है, दही है और थोड़ा सा सूजी भी मिलाया। हमने गीला हो गया था तो सूजी मिला दिए, तो परफेक्ट हो गया। तो देखिए हमारे छोले बन के रेडी हो गए। हम 2 मिनट और पकाएंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। देखिए हमारे छोले कितने अच्छे से पक गए, कलर कितना अच्छा आ गया फ्रेंड, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो 2 मिनट और पकाएंगे ताकि धनिया अच्छे से थोड़ा उसकी खुशबू आ जाए छोले पे। तो देखिए हमने भटूरे भी बेल के डाला। तो यहाँ पे हमारे पापा जी हैं, तो वो बना रहे हैं, वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ सही से पूरा अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ। तो बहुत फास्ट काम करते हैं, तो वही यहाँ पे भी भटूरे बेलेंगे। देखिए किस तरह से बेलते हैं, देखिए आप। तो मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी और वही बना रहे थे खड़े खड़े, तो मैं वीडियो बना रही थी इसलिए वो जल्दी जल्दी हो जा रहा था। देखिए कितने अच्छे से भटूरे बेल लिए हैं। मैं बेल रही थी तो मुझसे सही से आ नहीं रहा था, तो पापा जी बोले कि हम बेल देते हैं। देखिए कितने अच्छे से बेल दिए हैं, कढ़ाई पे भी कितने अच्छे से डाल दिए। देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं हमारे भटूरे। छोला हमारा पक गया, वहाँ पे साइड पे रखा हुआ है। उस डिब्बे पे आम का अचार शायद रखा हुआ है, नींबू का अचार है, आम का अचार है। तो अभी अचार भी निकालेंगे, इसलिए डब्बे को भी वहाँ पे रखे हुए हैं। तो देखिए ऐसे पका रहे हैं। ये हमारा रायता, देखिए हमारा रायता और ये हमारा छोला भटूरा। देखिए कितनी अच्छी थाली लग रही है, यहाँ पे सैलेड भी रखा हुआ है। तो ये रहा आज का हमारा लंच। तो ये देखिए हमारा लंच कैसा लगा फ्रेंड, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय।